देखा आपने, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि हमारी गाड़ी हल्की सी स्किड करते हुए बची है, मतलब वैली में जाने से थोड़ा सा बची है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, सीरियसली अगर ध्यान नहीं दिया है, तो अभी मैं स्लो मोशन में दिखाने वाला हूँ आपको वही सेम, एक बार देखो जाके। भाई बच गए। देखा आपने, मतलब यार अब थोड़ा सा, मतलब अगर ध्यान दिया हो आपने तो भाई खत्म थे हम, खत्म। नीचे चली जाती गाड़ी, अभी पैनिक नहीं किया इस सिचुएशन में, बस वापस रास्ते की तरफ मुड़ी गाड़ी, किसी तरह से संभाला। लिटरली यार बहुत ही अलग ही फील थी। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं लांगजा, बुद्धा स्टैचू जहाँ पे है। और आपने जो जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या अब करेंगे, तो मेरी स्पीति की जो पहली पोस्ट मैंने डाली थी कि मैं ये करने वाला हूँ 9 अप्रैल को, तो उस पोस्ट में जो पिक्चर यूज़ करी थी वो भी इतनी सुंदर नहीं है जितना मैं अब दिखाने वाला हूँ आपको। सीरियसली देखिए गाइस, अगर इससे कुछ याद आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मजा तो आई एम श्योर आ रहा होगा आप लोगों को ये देख के। नेचर एट इट्स बेस्ट। बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ऑफ रोड किया गाड़ी, 1-2 मिनट के लिए तो ऐसा लगा एक दो जगह कि स्लिप हो जाएगी, वैली में ना चली जाए, बट नहीं, गाड़ी सही है अपनी, बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है पैनिक नहीं होना है अगर ऐसी सिचुएशन हो तो। ये देखिए गाइस, एल्टीट्यूड भी है 14,300 फीट अबव सी लेवल। ये बुद्धा जी का स्टैचू फेसिंग टुवर्ड्स द वैली, कैसी लगी ऑफ रोडिंग? और ये एस्किमो बना हुआ है जब से आया स्पीति वैली। ओए बट यहाँ तो ठंडा भाई, अभी नहीं अभी वो है। सो गाइस, बहुत तेज हवा है यहाँ पे, मतलब हम कॉमिक गए, हिक्किम गए,
वहाँ पे इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन यहाँ बहुत तेज़ हवा है क्योंकि ओपन है काफ़ी और काफ़ी हाइट है, 14,300 फीट कम नहीं होता यार। सो मज़ा ही आ गया यार, ऑफ रोड करें सब किया। अब थोड़े शॉर्ट्स लेते हैं, ड्रोन शॉट्स नहीं ले पाएंगे, उसका तो थोड़ा बहुत हमें है, बुरा लग रहा है कि नहीं यार वो चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हम कुछ और करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से वैली कवर करते हैं। और जहाँ पे हम हैं बुद्धा स्टैचू, फुल फन, मज़ा आ गया, और उसके बाद पूरा कैप्चर करने के बाद मिलेंगे ताज़ा की तरह। लेट्स गो गाइस। ग्लेशियर होता हुआ यहाँ, ग्लेशियर ऊँचा बर्फ पड़ती हुई तभी मज़ा ही आ गया भाई। ये भी कर ले कवर, हाँ करो करो। ये देखो गाइस, काजा में वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल वर्ल्ड हाईएस्ट रिटेल आउटलेट काजा, हाइट 12,270 फीट, 3,740 मीटर अबव सी लेवल, हिमाचल प्रदेश इंडिया। अरे अगर हम डलवा रहे हैं डीजल, क्या बात है, सबसे ऊंचे पेट्रोल पंप पे वर्ल्ड के डीजल डलवाते हुए। सो गाइस, होटल पहुंच गए हैं वापस। हमने आज कवर किया चीचम ब्रिज की मोनेस्ट्री और लांगजा बुद्धा स्टैचू और द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम में और वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड टू अ मोटरेबल रोड। तो आज 5 जगहें हमने कवर करी जो कि काफ़ी फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार, बहुत ही एपिक ड्राइव थी, ऑफ रोड, बीच बीच में आपने देखा होगा फ्लरीज वगैरह भी पड़ रहे थे, जैसे स्नोफॉल शुरू हो गया था जब हम कॉमिक से लांगजा की तरफ जा रहे थे बुद्धा स्टैचू देखने के लिए। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था यार, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस। बाकी अभी हम होटल आए हैं, अब यहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर मार्केट जाने की सोचा है कि एक बार मेन मार्केट जाके ज़रा मोमोज वोमोज का स्वाद चखा जाए के काजा में कैसे मिलते हैं। बाकी चलो फ्रेश वगैरह होते हैं। और आज का पूरा जो भी हमने आपको दिखाया सीनिक व्यूज, और जो आपको अगर हमारी ड्राइव वगैरह सब पसंद आया हो तो यार देखो लाइक का और कमेंट करे बिना मत जाना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन पे हिट भी करके जाना। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो
अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिला है, हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वो भी जितना हो पा रहा है हमसे हम सब कर रहे हैं। बाकी आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है यार। चीयर्स।